धर्म में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। द्वापर युग में देवकी और वसुदेव के घर जन्मी श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ साथ संपूर्ण मनुष्य जाति को जीवन के रहस्यों का ज्ञान भी दिया था। इस कलयुग में भी यदि मनुष्य गीता के ज्ञान को आत्मसात कर ले तो उसे जीवन में कभी भी एवं किसी भी संकट अथवा दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण द्वारा कही गई पांच ऐसी ही बातों के विषय में बताने जा रहे हैं। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। संकटों से कैसे लड़े। पूर्व आभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज से योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकटों का आज निर्मूलन करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन्म लेते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या यह सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो स्वयं ही एक संकट है, विश्व के लिए और स्वयं के लिए भी। विचार कीजिए। सफलता का रहस्य। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होता है? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजनाएं उसे खाई में न ढकेल दे, वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता। वो केवल स्वयं को योग्य बना सकता है पर्वत के। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही है? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं? विचार कीजिए। सही निर्णय कैसे ले। जीवन का प्रत्येक क्षण निर्णय का क्षण होता है।
प्रत्येक पथ पर किसी दूसरे पथ के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए अपितु अपने परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल अपने मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई उचित निर्णय योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिए। आत्मविश्वास की ताकत। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपनी ही बातों पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सब गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। यह आत्मविश्वास क्या है? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के लिए उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह भी बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, अपितु मन की स्थिति है, केवल मन की स्थिति। जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है, और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए। बच्चों की परवरिश कैसे करें? एक पिता सदैव ही अपनी संतान के सुख की कामना करता है, उनके भविष्य की चिंता करते रहता है। इसी कारणवश सदा ही अपनी संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की भूख को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही उसकी इच्छा रहती है, हर पिता की इच्छा रहती है। निस्संदेह उत्तम भावना है, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल जाते हैं। प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की ही छवि होते हैं? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता ही देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली, क्या ये विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसके संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा? तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना उनके लिए लाभ कहलाएगा या फिर हानि पहुंचाना?
अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। जय श्री कृष्ण।